हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग योगेश शाह व्लॉग्स। राम राम सभी भाइयों ने। सो आज की वीडियो में बात करेंगे हम आप KTM की किसी भी बाइक को या फिर कोई भी आपके पास हाई परफॉर्मेंस बाइक है, आप उसको घर पे किस तरह से वॉश कर सकते हैं, किस तरह से साफ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सभी जानते हैं कि बारिश का जो सीज़न है वो आने वाला है। इस तरह की जितनी फेयरिंग वाली बाइक्स होती है उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो उस बाइक को आप किस तरह से साफ कर सकते हैं घर के ऊपर ही। सबसे पहले तो आप एक सेंटर स्टैंड खरीद सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे यहाँ पे बहुत सस्ता है, लगभग आपको 800 रुपये में मिल जाएगा, वो बनाते हैं यहाँ पे। बट अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको 3000 रुपये का मिलेगा, और मैं वो वीडियो भी शूट करके दिखा दूंगा शॉप की, कहाँ पे मिलता है। मेरे पास अभी था तो मैंने जैसी पुरानी बाइक को सेल किया, तो जिस भाई ने ली मैंने उसी को अपना सेंटर स्टैंड भी दे दिया। एंड दूसरी बात, अगर आप इसमें डेली एक बार भी कपड़ा लगा देते हैं और 10 दिन में 15 दिन में एक बार पॉलिश लगाते हैं, तो आपको ज़्यादा इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरे साथ क्या हुआ, जो जहाँ से मैं बाइक लेके निकलता हूँ वहाँ पे पानी भरा हुआ था, सो इसमें नीचे की साइड में काफ़ी मिट्टी इकट्ठा हो गई थी, सो इसलिए मुझे इसको वॉश करना पड़ा। अब मैं इसको वॉश कर लूँगा, उसके बाद मैं इस पर पॉलिश लगा दूंगा। एंड मैं कौन सी पॉलिश यूज़ करता हूँ, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी रिसेंटली, आप उसको जाकर मेरे चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी पॉलिश है वो, आप 10 दिन में 15 दिन में एक बार लगा सकते हैं, और एक थोड़ी सस्ती वाली आती है आप उसको जो है हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। सो उससे आपकी जो बाइक की जो शाइनिंग है वो कभी गुम नहीं होगी, और बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे न्यू है। सो चलिए मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक शैम्पू को यूज़ करने वाला हूँ। नॉर्मली जिस तरह से सब देसी तरीके से अपनी बाइक को या कार को धुलते हैं, सो मैं एक शैम्पू यूज़ करने वाला हूँ, और उसके बाद मैंने घर पे ही एक छोटा फुहारा बनाया हुआ है अपनी टंकी में एक पाइप लगा के, और उससे मैं इसको वॉश कर दूंगा, और फिर आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल एक एक जो डस्ट पार्टिकल है वो उससे रिमूव हो जाएगा। सो चलिए हमारे साथ वीडियो बने रहिए। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। मेरी बाइक के ऊपर पूरी तरीके से शैम्पू लग चुका है, एंड ये अभी से शाइन कर रही है। पहले मैं इसको नॉर्मल वॉश करूँगा, देन उसके बाद मैं इसको फुहारे से वॉश करूँगा, इससे एक एक डस्ट पार्टिकल इससे अलग हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर हमें पॉलिश लगानी है। चलिए एक बार और आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए जो शैम्पू था वो पूरी तरीके से हट चुका है, एंड ये काफ़ी शाइन कर रही है। अब बारी है हमारे जो फुहारे से इसको धुलने की, सो मैं उसको लगा देता हूँ अपना पाइक, एंड देन आई विल शो यू कि उससे कितनी साफ़ हो जाती है। सो ये मैंने एक जुगाड़ बनाया हुआ है अपना, इससे पानी की जो वेस्टेज वो भी कम होती है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सबमर्सिबल को यूज़ नहीं करता हूँ, मैं टंकी के पानी को यूज़ करता हूँ। इससे पानी कम निकलता है, एंड इसके प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से हमारे दोनों काम हो जाते हैं, पानी की वेस्टेज भी कम होती है और इसका कोई डैमेज भी नहीं होता, लाइक इसका प्रेशर भी हम कम रखते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।